welcome back once again, guys. I'm Uttiran of Jio Productions, and I just want to show you something new. You know, hai to thoda sa purana hi. I will continue in Hindi. Kuch subscribers Hindi wale bhi hai. So, जैसा कि आप देख रहे होगे 5S पकड़ा मैंने अपने सामने अरेंज किया गए थे और मैंने काफ़ी वीडियोस देखी उसमें था कि लोगों को है कि 5S में वो लोग जियो सिम तो यूज़ कर रहे हैं बट जियो सिम में कॉलिंग नहीं यूज़ कर रहे. इट्स अ प्रीटी सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है जैसा लोग बता रहे हैं कि वैसा एंड ऑल दैट. बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी है. ट्रिकी कुछ नहीं है, बस नॉलेज चाहिए. जैसे देख रहे हैं आप 5S है, इसमें कोई सिम नहीं है, अच्छा नो सिम कार्ड. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नो सिम कार्ड है. जियो सिम 5S में चलती है बट उसमें क्या है, उसमें जियो सिम में आपका नेट चलता है बट कॉलिंग नहीं चलती है. अब सबसे पहली बात आपको नोटिस करने है, जिनके पास 5 है उनको सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे जनरल होता है उसमें अबाउट में जाके ये देखना पड़ेगा कि उनका iOS अपडेट कितना हुआ है. अब जैसा मेरा है यहाँ पे शो कर रहा है कि जो मेरा अबाउट में जाके मैं देख रहा हूँ कि वर्ज़न जो है इसका iOS का 10.2.1 14D27 है. तो मैं तो वैसे तो सबको यही बोलूँगा कि जिन्होंने यूज़ करना है वो एटलीस्ट अपना जो iOS है उसको ज़रूर अपडेट कर ले. अब मैं यहाँ पे जैसा कि जियो सिम देख रहे हैं, आपको जियो सिम दिख रही होगी. अब मैं इसके अंदर जियो सिम इंसर्ट करता हूँ. काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है और काफ़ी सिंपल है एंड जियो के ऑफ़र्स भी काफ़ी अच्छे हैं और पैसे भी बचा सकते हैं. जैसा मैंने सिम इंसर्ट की तो वहाँ पे नो सर्विस आ रहा है. नो सर्विस किस लिए आ रहा है कि आपको पता है जियो 4G है तो हमारे हर फ़ोन में डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 2G सेटिंग्स होती है. तो अब मैं सेटिंग में जाऊँगा, जितने भी आईफोन यूज़र उनको पता ही होगा सेटिंग्स कैसे खुलती है. वहाँ पर सेलुलर होएगा, सेलुलर में जाके सेलुलर डाटा ऑप्शन खोलना मुझे. यहाँ पर वॉइस का है, यहाँ पर मुझे LTE, कईयों को यहाँ पे 4G बताएगा क्योंकि कईयों की लैंग्वेज दूसरी होगी. LTE आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको बैक आना है, उसके बाद आपको सेलुलर डाटा को ऑन करके रखो. जियो थोड़ा बैटरी कंज्यूम करता है बट चलो नॉट अ बिग डील, जब यहाँ पे फ्री मिल रहा है तो वहाँ तो हो गए. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, आपका LTE शो कर रहा है आपको कि आपका फ़ोन LTE ही है. आपके सामने यहाँ शो कर रहा है, जियो की सिम भी पड़ी है इसमें, टावर्स पूरे मतलब जितने भी सब जो भी है सब कोई पूरा है इसमें. अब आपको ये करना है, ऐप स्टोर में जाना है. ऐप स्टोर में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है JIO 4G वॉइस. सब्सक्राइबर जितने भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं मैं उनके लिए जियो 4G वॉइस आपको करना है. ये अब रिलायंस ने ये इसमें लॉन्च कर दी है, अपने एप्पल के फ़ोन्स के लिए लॉन्च कर दी है. इसमें जाओ और आप देख लो, ये यहाँ पे इसकी डिटेल चेक कर सकते हो. इसकी 120 MB की ये ऐप है, बस आपको इसको इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल तो पता है आपको, यहाँ पे गेट ऑप्शन आता है तो उसमें मैंने प्री इंस्टॉल करके रख लिया है ताकि मैं वीडियो क्योंकि मुझे बनानी थी इसलिए. अब मैं होम पर आता हूँ. अब यहाँ पर मेरी जियो 4G वॉइस है और ये कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर खुलता है. कुछ फेक नहीं है, सामने दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं. इस तरीके का यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट्स हैं एंड में मैसेजेस आते हैं. यहाँ पे डायलर है, यहाँ पे अगर कुछ शेयर करना है कुछ आपने यूट्यूब वीडियोस, ये मेरे से पूछ रहा है कि जियो 4G वॉइस से आप फ़ोटोज़ एक्सेस कर सकता है. मैं कह रहा हूँ ओके, इसके ओके. आपसे पूछेगा कि आप लोग कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकते हो, सब सेटिंग्स पूछेगा ये. जैसा आप देख रहे हो यहाँ कॉन्टैक्ट्स में मेरे कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं. डायलर मुझे एक डायलर जैसे डिफ़ॉल्ट डायलर होता है बाकी फ़ोन्स का वैसे दिख रहा है. यहाँ पे वीडियो का अलग से डायलर है और इसका अलग से. अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ. सबसे पहले मैं वीडियो कॉल करता हूँ, मेरे एक फ्रेंड को कॉल कर रहा हूँ मैं. ये आपके सामने मैं नंबर कॉन्टैक्ट से भी निकाल सकता हूँ बट मुझे नंबर याद था क्योंकि मैंने इसको डायल किया था. ये आपके सामने मैं इसको कॉलिंग करूँगा. यहाँ पर जा रहा है जो भी प्री डिफाइंड पर्सन का नाम है उसको कॉल जा रही है और आप देख रहे हैं रिंग आपको सुनाई दे रही है. एंड अभी जैसा कि देख रहे हैं कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं इसमें वीडियो में कि जो पर्सन है वो उसकी हमें वीडियो बिल्कुल सही से दिखाई दे रही है. और ये देखिए ये मेरी वीडियो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको. ये फ्रंट कैम मैंने ओपन किया है, इसमें दिख रहा है कि मैं, और ये बैक कैम है, ये फ्रंट है. हाय ब्रदर. हाय.
कैसा एक्सपीरियंस वीडियो का इस पे? नाइस है, अच्छी है, साफ वीडियो आ रही है। हाँ, आप, मैं एक मिनट, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा, मैं कैम 2 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। आप जैसे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, मुझे यहाँ पे लाउड स्पीकर का ऑप्शन है और यहाँ पे मैंने कॉल एंड कर दी है, यहाँ पे लाउड स्पीकर कर सकते हो। अब मैं इसको, इसी पर्सन को मैं ये वॉइस कॉल कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आपका लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है, यहाँ से आपका ऑफ हो सकता है। अब देखो, उसको रिंग जा रही है। अब मैं ये वॉइस कॉलिंग कर रहा हूँ, सिंपल वॉइस कॉलिंग। हेलो ब्रदर। हाँ जी, कैसे हो ब्रदर आप? ठीक हूँ, आप बताओ। बस ये देखिए, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ब्रदर कॉल मत कट करिए, यहाँ पे म्यूट बटन है, आप म्यूट कर सकते हो। यहाँ पे आप लाउड स्पीकर ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे आप पॉज कर सकते हो, यहाँ पे आप डायलर खोल सकते हो अपना, यहाँ पे आप वीडियो, जैसे वीडियो वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन देगा कि वीडियो सामने वाला वीडियो के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से आप रेड बटन दबा के फ़ोन को कट कर सकते हो। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि हर एक उसमें आईफोन 5S और 5 में जो जियो सिम चलती है, और जियो सिम में कॉलिंग भी हो सकती है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सेटिंग्स में जाके आपको क्या क्या देखना है। आपका iOS अपडेट होना चाहिए, सेलुलर डाटा में आपको 4G सिलेक्ट करना है, वॉइस एंड डाटा में जाके, क्योंकि LTE शो करेगा, डिपेंड करता है आपने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट की है। बाकी फ्रेंड्स, अगर कुछ आपको डाउट्स हैं, कुछ आपके कमेंट्स हैं, तो ज़रूर दीजिए वीडियो में, मैं आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज कमेंट्स एंड दोज, जो भी आपके रिव्यूज़ हैं मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा आपके रिव्यूज़ आएंगे। बाकी ये है कि जियो सिम यूज़ कीजिए, पैसे बजाएं अपने, फ्री कॉलिंग दे रहा है जियो सिम, जब तक 31 मार्च तो चलो आ ही गया, बट उसके बाद भी उसके प्लान एक्टिवेट करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इट्स उत्तीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, बाय गाइज़।